पेपर बोट ने इस तरह से अपने कंपटीशन को बीट किया। पेपर बोट ने देखा कि पैकेज ड्रिंक्स का मार्केट ऑलरेडी बहुत सी फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक कंपनीज के कारण काफी कॉम्पिटेटिव था और उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए कुछ डिफरेंट करना था। इसीलिए पेपर बोट ने ऑरेंज, एप्पल और मैंगो जूस की जगह आमरस, जलजीरा और ठंडाई जैसी ड्रिंक्स लॉन्च करी। ये ऐसी ड्रिंक्स थी जिसे कोई और बड़ी कंपनी पैकेट में नहीं बेच रही थी और इन ड्रिंक्स को ज्यादा एडवर्टाइज करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि हर इंडियन के माइंड में ऑलरेडी इन ड्रिंक्स की काफी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज थी। इसके अलावा पेपर बोट ने देखा कि उनका हर कॉम्पिटिटर प्लास्टिक बॉटल्स, कैंस या टेट्रा पैक में अपनी ड्रिंक्स बेच रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी ड्रिंक्स को पियर शेप्ड पाउचेस में बेचा जिससे इनका प्रोडक्ट हर कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट हो गया और कस्टमर का ध्यान ऑटोमेटिकली इन पे जाने लगा।